एक विश्वास की बात देखिए, गुरुजी मैं रायपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। अभी 2 माह पहले इन्होंने अपना नाम शायद इसमें नहीं लिखना भूल गई होंगी, पर कहीं बैठी हो तो हाथ ही जरूर हिला देना, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हूं गुरुजी। अभी 2 माह पहले मई 2023 में मेरी पुत्री के आँख में अचानक से दर्द हुआ और कुछ दिनों में उसकी एक आँख तिरछी हो गई। जिन्होंने पत्र लिखा है अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, जिन्होंने भी लिखा हो अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। एक आँख तिरछी हो गई और उसे एक आँख से दिखाई देना बंद हो गया। उसे हम तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने कई प्रकार की जांचें और बताई और उसे आँख की जांच करने के बाद आया कि उसकी आँख में कैंसर हो गया। आँख में कैंसर हो गया जिसका इलाज तुरंत ही शुरू करना होगा, और हमारे तो पैरों तले जमीन खसक गई गुरुदेव। डॉक्टरों को दिखाया, सभी जगह पर एक ही बात कही कि इसको आँख का कैंसर हो गया। कोई कहे इसको चेन्नई ले जाओ, कोई कह रहा है इसको हैदराबाद ले जाओ। छत्तीसगढ़ के सारे डॉक्टरों को रायपुर में दिखाया, सब ने कैंसर बताया। हम उसको लेकर कहाँ जाएं ये विचार करते करते ही सोचे कि कहाँ से धन आएगा। 4 साल पहले इसके पिताजी भी शांत हो गए और बेटी की आंख में कैंसर हो गया। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो। अब करें तो करें क्या, खर्चा भी कितना आएगा। फिर भी सभी लोगों ने कहा कि इसको हैदराबाद ले जाओ। हम उसको हैदराबाद ले गए, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा इसको कैंसर है आंख में, 15 दिन के अंदर इसका ऑपरेशन कराना है। 15 दिन दिए, हम उस बेटी को लेकर वापस आ गए। किसी ने कहा वे काम करते हैं, कैंसर तो इसको है, 15 दिन का ऑपरेशन है, आँख में इसको दिखना बंद हो ही गया है, एक बार चलो अपन सीहोर चलते हैं। और हम गुरुदेव सीहोर कुबेरेश्वर धाम पहुंच गए, वहां से रुद्राक्ष लिया है, कंकर लिया है, रुद्राक्ष को पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते, कंकर का पूजन करते। हमने सोचा 15 दिन बाद तो ऑपरेशन है ही, वही शिव जी का चढ़ा हुआ जल इसको पीने को देते और इसकी आंखों में लगाते। बाबा हम क्या वर्णन करें, क्या बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। हमने बाबा से प्रार्थना कर हमारे घर के नज़दीक में जो शिव मंदिर है वहाँ पर भी जाना प्रारंभ करा, बेलपत्र लाकर इसको देना प्रारंभ करा। इसकी आँख में जो कैंसर था हम उसको लेकर 15 दिन के बाद जब ले जाने लगे, 1 दिन बचा तब इसकी आँख की रोशनी धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो गई। बाबा का क्या गुणगान करे गुरुदेव। आँख की रोशनी बढ़ना प्रारंभ हुई, आँख जो तिरछी हो गई थी वो धीरे धीरे सीधी होना चालू हुई। शाम के 4 बज गए, 2रे दिन की हमारी गाड़ी थी, ट्रेन थी, हमारा वो आँख धीरे धीरे शाम को 4 बजे तक अपने स्थान पर सही हो गई और उसकी रोशनी बढ़ गई। हम जब हैदराबाद इसको लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा ना तो इसको कैंसर है ना इसको ट्यूमर है, इसका कैंसर ठीक हो गया है। ये शिव तत्व योग।